अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या एनसीआर के आसपास, और आप मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के वागेश्वर धाम जाने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। 10 से 16 जुलाई वागेश्वर धाम का दरबार ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में लगा है। तो जो प्रार्थना लेकर आप मध्य प्रदेश जाना चाह रहे हैं, वो प्रार्थना 16 जुलाई 2023 तक ग्रेटर नोएडा में भी कर सकते हैं। और वागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमंत कथा का आनंद भी ले सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस खास बात के लिए जाने जाते हैं वो है पर्ची। वो लोगों की पर्ची निकालकर उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। पर्ची निकालने वाला दिव्य दरबार भी ग्रेटर नोएडा में लगेगा। ये दरबार 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से लगेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये दरबार 200 बीघा से भी अधिक जगह में लगा है। लगभग 20 से 25 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। उनकी सुरक्षा के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 1500 पुलिस के जवान सहित लगभग 2500 सेवादार यानी कि वॉलेंटियर हैं जो सेवा देंगे। भक्तों की सुविधा के लिए 10 बहुत बड़ी पार्किंग भी बनाई गई हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के हैं या दिल्ली एनसीआर के आसपास के हैं और वागेश्वर धाम जाने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव जा सकते हैं अपनी प्रार्थना लेकर। और वागेश्वर धाम के जिन भक्तों को ये जानकारी नहीं है, उन भक्तों के साथ भी आप ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।